मंगलवार को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा था, जिस पर चुटकी लेते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इन तीनों नेताओं का मकसद सरकार को घेरने का नहीं बल्कि हुड्डा ग्रुप को चुनौती देने का था। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल इस आयोजन से बात करते हैं। सर, जिस तरह से तीनों नेता एक मंच पर थे, सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, लेकिन तीनों नेताओं का जो बहुत कम देखने को मिले हैं एक मंच पर, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले से ही कहता आया कि कांग्रेस कभी ना एकजुट थी, ना है, ना आगे है। इन तीनों नेताओं का मकसद कोई सरकार को घेरना नहीं था। इन तीनों नेताओं का मकसद चैलेंज करना था हुड्डा ग्रुप को, ये दिखाना कि भी हम भी हैं, आप ही वाले नहीं हो। और ये आपस में पार्टी के जो इसमें वर्चस्व की लड़ाई है वो ये लड़ रहे हैं, और जहाँ तक हो सकेगा तो ये करते आए एक दूसरे को हराने के काम, टिकटे झपटने का काम, ग्रुपिज्म जो है वो साफ दिखाई देता है। कांग्रेस को अगर कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो कोई कांग्रेस का ऑफिशियल पदाधिकारी, ऑफिशियल टीम कांग्रेस के नहीं है। हुड्डा साहब अपनी तरफ से घोषणाएं करते जा रहे हैं, वो एक ग्रुप की घोषणाएं हैं। दूसरा ग्रुप कहता है कि आप कैसे कर रहे हो, तो कांग्रेस की घोषणा नहीं है। कल जो इन्होंने तीनों नेताओं ने इकट्ठे होकर दिखाया, ये एक अलग से ग्रुप है, कुछ दिनों में एक अलग तीसरा ग्रुप आ जाएगा। कांग्रेस जो है झगड़े हुए हैं अपने अपने, उसमें टुकड़े टुकड़े बटी हुई पार्टी है, अपने परिवार का हित देखती है और उसी जनता के हित से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी के अंदर कौन सा झगड़ा कितना ज्यादा कब्जा कर पाए, इस बात की लड़ाई चल रही है। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें कोई ग्रुप के बारे में बात नहीं की, हुड्डा साहब के बारे में बात नहीं की, उनकी घोषणाओं के बारे में बात नहीं की, सिर्फ राज्य सरकार के बारे में बात की। बात वो करें, वो कहे जी निगाहें कही हैं, निशाना कही है, वो सारा यही दिखाना चाहते थे हुड्डा ग्रुप को कि हम तीनों मिल गए हैं और ये तीनों भी आपस में एक नहीं है। आज उनको प्रभुत्व मिल गया है, पार्टी पे कब्जा हुड्डा ग्रुप का है, तो ये तीनों इकट्ठे हो गए, वरना इससे पहले ये तीनों आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते थे। खेती को लेकर भी कई नेताओं की ओर से हमले बोले गए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो वो वादे का क्या हुआ? उल्टा जो कृषि के संयंत्र है उन पर टैक्स लगा दिया, ट्रैक्टर पर फ्री पर टैक्स लगा दिया, रेट बढ़ा दिया, इस तरह के आरोप लगाते हैं, इनको क्या? ये सब झूठे नैरेटिव करते हैं। जब से GST आया है तो एक जैसा टैक्स हो गया, GST पे 18% टैक्स है, उससे पहले वही टैक्स 28% तक एक्साइज ड्यूटी का होता था। टैक्स तो घटा है, लेकिन पहले टैक्स फैक्ट्री जब जो माल निकलता था वही लग जाता था, मैन्युफैक्चरिंग पे था, अब सेल्स पे है। और ये लोगों को अच्छी तरह पता है, किसानों को भी पता है, लेकिन ये भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इनके करने से कुछ लोग गुमराह नहीं होते। सर, एक आखिरी सवाल है कि हालांकि धान का सीजन चल रहा है, बारिश अच्छी हो रही है, किसानों को उससे कितना फायदा होगा और खाद को लेकर सरकार क्या करेगी? पर्याप्त खातरा खाद हमारे पास है, कहीं पर भी किसी तरह की खाद का कोई समस्या नहीं है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से मौसम बना के रखते, अच्छी बारिश हुई है, अच्छी बिजाई लोग कर रही, उत्तर भारत में तो लगभग बिजाई हो चुकी है और अच्छा मौसम साथ दे रहा है, इस बार ऊपर प्रोप होने जरूरी जी। शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा जी, मीडिया चंडीगढ़।